मेडिसिन से रिलेटेड नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आस्था कांड सिरप का, और इस सिरप के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, इस सिरप के यूजेस के बारे में, इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में और इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद है आस्था काइंड सिरप में। ब्रोमहेक्सिन, गुआइफेनेसिन, ट्रिब्यूटालिन, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला करके इस सिरप को तैयार किया गया है। आस्था काइंड सिरप का मार्केटिंग लाइफ स्टार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा की जाती है, और इसको जो बनाती है मेन काइंड कंपनी इसको बनाती है। आस्था काइंड सिरप 100 ml की पैकिंग की MRP प्राइस है 64.41 रुपये और 60 ml की पैकिंग की MRP प्राइस है 48.27 रुपये। और ये सभी केमिस्ट के शॉप पे अवेलेबल है। आइए जानते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में, यानी कि इसके उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग खांसी, नॉर्मल जुकाम, सीने में जकड़न, सांस से संबंधित बीमारियों में या फिर दम्मा जैसी समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आस्था काइंड सिरप में जो मॉलिक्यूल मौजूद है ब्रोमहेक्सिन का उपयोग खांसी के लिए किया जाता है। ट्रिब्यूटालिन का उपयोग अस्थमा, सांस से संबंधित समस्या वाली बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। गुआइफेनेसिन का उपयोग बलगम वाली खांसी में किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिरप का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है और इसे बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और इस सिरप का उपयोग और भी बहुत सारे केसेस में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आस्था काइंड सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो आस्था काइंड सिरप के साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, चक्कर आना, लाल चकत्ते, खुजली, एलर्जी या फिर आपको दस्त जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इस प्रकार के कुछ भी साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आपको बताते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो इस सिरप का डोज आप डॉक्टर के हिसाब से लोगे, वही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हर एक पेशेंट का उम्र अलग अलग हो सकता है, उनकी वजन और उनकी और भी अगर आपको कोई समस्या है तो ये सब जानकारी आप अपने डॉक्टर को दे दें। अगर आपको पहले से कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, आयुर्वेदिक या कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, इसकी जानकारी भी आप अपने डॉक्टर को दे दें, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी इस सिरप को यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सिरप के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो कोई भी यूट्यूब पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।